महकाने की बातें, गुंडागर्दी की बातें जो जमहूरियत में कोई मुकाम नहीं रखती वो दी गई है। एसीपी साहब ने हमसे कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है, हमें उम्मीद है कि इन तमाम की नकीरें कसी जाएंगी और उनको कानून के शिकंजे में फंस जाकर इन पर कार्रवाई की जाएगी। आज हम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे, हमारे साथ हमारे भाई अफसर खान साहब हैं, जमीर खान साहब हैं और हमारे दूसरे साथी मौजूद हैं, करीम कुरैशी साहब भी हैं। पुलिस कमिश्नर साहब किसी काम से बाहर जा गए, उन्होंने एसीपी जो सानफ साहब है उनसे बात करने कहा था, हमने अपना निवेदन दिया है। यहाँ आने का मकसद ये था, शहर में हारे वाले उम्मीदवार इम्तियाज जरीर, नासिर सिद्दीकी, ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो ना कहना चाहिए ना जनता ने सुनना चाहिए। उनकी तमाम बातों में वो अवाम को उकसा रहे हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं। कोई भी वोटर उनकी बात की जागीर नहीं है, ना अवेशी साहब की बात की जागीर है। किसने किसको वोट देना वो उसका अधिकार है, और किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो उस पर नाराज होने का हक उनको नहीं है, डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। दूसरी बात, कौन इलेक्शन में खड़े रहना कौन नहीं खड़े रहना वो फैसला वो खुद करेगा या उसकी पार्टी करेगी। इनको कोई हक नहीं पहुंचता किस किस्म की बातें करना, इन्हों खड़े थे उन्हों खड़े थे। कोई भी उम्मीदवार खड़ा है उसका जमहूरी हक है, इनको जमहूरी हक छीनने का कोई हक हासिल नहीं है। अब ये मजहबी तौर पर बच्चों को, मासूम बच्चों को बहका कर फुसरा कर गलत बातें बावा करा के शहर में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं कमिश्नर ऑफिस इसलिए आया था कि मैं चाहता हूं कि इम्तियाज जरीर पर, बिरार जरीर पर, नासिर सिद्दीकी पर, उनके तमाम चेहरे चपाटों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो इस किस्म की हरकतें ना करें, नौजवानों को ना बहकाएं, शहर का माहौल खराब ना करें। चुनाव में हारने के बाद इतना पछताने की जरूरत नहीं है। 2019 में भी डॉक्टर गफ्फार कादरी के खिलाफ 15 उम्मीदवार खड़े थे, उस वक्त तो आपने खुशियां मनाए ना, जब अपने को जब बीतती है तो बहुत आवाज निकलती है। बहरहाल हमने एसीपी साहब के पास वो पूरे वीडियोस दिए हैं जिसमें उनकी बहकाने की बातें, गुंडागर्दी की बातें जो जमहूरियत में कोई मुकाम नहीं रखती वो दी गई है। एसीपी साहब ने हमसे कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है, हमें उम्मीद है कि इन तमाम की नकीरें कसी जाएंगी और उनको कानून के शिकंजे में फंस जाकर इन पर कार्रवाई की जाएगी। बस इतनी बातें कहना चाहते हैं। दूसरी बात, नौजवानों को कहना चाहता हूं कि सियासत में सबने हिस्सा लेना चाहिए। सियासत के फैसले हर एक का अपना हक है, किसी से इख्तराफ की हद तक होना चाहिए। इख्तराफ को झगड़े टंटे में, दुश्मनी और बुराई में नहीं ले जाना चाहिए। नजरियाती इख्तराफ हो सकता है, ख्यालों को बात इख्तराफ हो सकता है। मैं तमाम शहरवासियों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, अमन अमान से लीजिए, कायदा कानून को डिस्टर्ब मत कीजिए और कायदा कानून हाथ में मत लीजिए। एक और बात कहने की है, मोहतरम हमारे दोस्त अफसर खान साहब ने पुलिस कमिश्नर साहब से टाइम लिया था, वो किसी वजह से 3 बजे हम पहुंच नहीं पाए, उनको भी कोई अहम काम था। कल 2 बजे फिर हम तमाम साथी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे ताकि उनको बता सकेंगे कि किस तरह से शहर के माहौल को अपनी हारने के बाद खराब किया जा रहा है। बहरहाल यही बातें आपसे कहना थी, शुक्रिया, थैंक यू।